महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई देते हुए कहा कि मोदी लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुने गए दुनिया के सबसे शक्तिशाली नेता बनने के करीब है। इससे पहले महिंद्रा ने कहा कि लोकसभा चुनाव की मतगणना को देखते हुए महसूस हुआ कि मेरी आंखों के सामने इतिहास नया मोड़ ले रहा है। दो नए पावर ब्लॉक संस्थानों को बदल रहे हैं। मैं राजनीतिक दलों की बात नहीं कर रहा, बल्कि महिलाओं और युवाओं की बात कर रहा, नए वोटर्स की बात कर रहा हूं, वो भारत का भविष्य तय करेंगे। उनकी संख्या बढ़ रही है। भाजपा गठबंधन की जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और उनके नेतृत्व पर पूरे देश के भरोसा का नतीजा है। सुधार और प्रस्ताविकता, बड़े बदलाव के विकास दर, रोजगार की स्थिति और लोगों का जीवन स्तर बेहतर होगा। इसके साथ ही कोटक महिंद्रा बैंक के सीईओ उदय कोटक ने कहा कि भारत में बदलाव का वक्त है, रिफॉर्म का वक्त है। मैं देश के ग्लोबल सुपर पावर बनने का सपना देख रहा हूं। नरेंद्र मोदी, भाजपा और एनडीए को हार्दिक जीत की बधाई देता हूं। और गोदरेज ग्रुप के चेयरमैन आदि गोदरेज का कहना है कि नई सरकार से उम्मीद है कि वो जीडीपी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए कदम उठाएगी। गोदरेज ने कहा कि हमारे देश के कॉरपोरेट टैक्स की दर दुनिया में सबसे ज्यादा है, इससे कम किया जाना चाहिए। सरकार ने इसे घटाकर 25 करने का वादा किया था। छोटी कंपनियों को राहत दे दी गई है, लेकिन बड़ी कंपनियों को नहीं। मुझे लगता है कि कॉरपोरेट टैक्स को कम करना एक बहुत ही बेहद अहम कदम होगा। SPN 9 से कुमार अभिनव की रिपोर्ट।